जी हाँ, हमारा यह सफ़र शुरू होता है शहर जबलपुर से, जहाँ हमें लोगों की बधाइयों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला। जीजस कॉल संस्था के द्वारा हमें ले जाया गया हमारे प्रभु यीशु मसीह के शहर इज़राइल, और हम पहले ट्रेन से मुंबई और मुंबई एयरपोर्ट से अमान एयरपोर्ट पहुँचे। अमान एयरपोर्ट पर उतर कर हमने बस से यात्रा की और इज़राइल की ओर चल पड़े, और हम पहुँच गए अपने प्रभु यीशु मसीह के शहर इज़राइल। बाइबल की उन सभी बातों को, उन सभी शहरों को, उन सभी जगहों को हमने महसूस किया जैसा उसमें लिखा है, बिल्कुल वैसा ही चित्रण हमने वहां जाकर पाया। ये शहर इज़राइल, जिसके सभी वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानते हैं, डिफेंस के बारे में जानते हैं, लोग ना जाने किस आया जाता उनके प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया जाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस शहर के बारे में, जहां उन्होंने कई चमत्कार किए, जहां उन्होंने कई कई कार्य किए, कई अद्भुत कार्य किए, पिता के और खुदा के होने का सबूत उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा इस शहर में दिया। इस शहर की जगह जगह पर, जर्रे जर्रे पर उनके पग का चित्रण और उनके कार्यों का वर्णन हमें देखने को मिला। हर एक व्यक्ति, हर एक लोग, और दिनांक 20/5/2018 को जब हम इज़राइल पे थे, हम नाम्बा हिल पहुँचे, जहाँ हमें हमने देखा उस जगह को जहाँ गॉड हैज़ गिवन चेंज टू यशुआ फ्रॉम मोसेस। जी हाँ, 20/5/2018 हम इज़राइल में थे। ठीक उसी दिन हमने अमान एयरपोर्ट के होटल नंबर 234 और उसे लगे बाकी कमरों में सारी टीम ने हॉल्ट किया। जी हाँ, 21 तारीख की सुबह हो चुकी थी, हमें बैतनिया चर्च ले जाया गया, जहाँ हमने पैराग्वे टावर इज़राइल के देखा। बैतनिया चर्च, डॉक्टर पॉल दिनाकरण की मीटिंग यहाँ पर हमने अटेंड की, और हमने उस जगह कुमरान उस जगह को विजिट किया जहाँ पर हिब्रू में बाइबल लिखी गई थी। जी हाँ, इज़राइल की वो जगह कुमरान, 22 मई से लेकर 24 मई तक डॉक्टर पॉल दिनाकरण के द्वारा दिए गए संदेशों का की आशीषें हमने पाई, और 23 मई 2018 जो कि दिन था बहन स्टेला दिनाकरण के जन्मदिवस का, उसे हम सब ने सेलिब्रेट किया साथ में और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को सुना। जी, 24 तारीख फाइनल डे ऑफ कन्वेंशन इन ऑडिटोरियम, देन पास्टर बेनिहिन एंड डॉक्टर पॉल के द्वारा की गई प्रेयर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को हमने वहां पर देखा। जी हाँ, पास्टर बेनिहिन एंड डॉक्टर पॉल दिनाकरण के द्वारा हम सबके सर पर हाथ रखकर प्रेयर की गई, जिससे हमें बहुत ही आशीष मिली। जी, दिन 25 मई 2018 हमने देखा इज़राइल का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि सोने का बना हुआ है, जिसे शालोम कहा जाता है। जी हाँ, उसके बाद हम वेस्टर्न मॉल गए। वेस्टर्न मॉल वो जगह है जहाँ यहूदी लोग चिपक कर दीवार से, उस वॉल से चिपक कर प्रार्थना करते हैं, और कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर तैयार हो सके। बैसदा कुंड, जहाँ यीशु मसीह ने 38 साल के कोढ़ी को चंगा किया था, हमें देखने का मौका मिला। क्रूस की यात्रा, पिलातुस की कोर्ट, जहाँ पर यीशु मसीह को सजा हुई थी, हाँ, बरअब्बा को छोड़ने के लिए लोगों ने नारे लगाए थे, जहाँ यीशु मसीह क्रूस लेकर चले थे, और जहाँ पर यीशु ने रुक कर क्रूस को संभाला। रोमन कैथोलिक चर्च, जिसमें यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद जिस पत्थर पर लिटाया गया, इस पत्थर पर लोग कपड़े रगड़ते हैं तथा चंगाई मांगते हैं। गैसमनी बाग, जैतून के वृक्ष, जहाँ यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 3000 साल पुराने वह पत्थर जहाँ यीशु मसीह का पसीना खून बनकर बह रहा था, तथा उसी रात यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया था। सेंट पॉल चर्च, जहाँ यीशु मसीह को गिरफ्तार कर एक रात के लिए रखा गया था, और जहाँ 20 से 30 फीट ऊपर से उनको जब गिरफ्तार करके रखा गया था, तो 20 से 30 फीट उनको एक रात के लिए कैद रखा गया था, गिरा दिया गया था उस छेद से, 20 से 30 फीट ऊपर एक छेद से कालकोठरी के अंदर गिरा दिया गया था। पर वहाँ लोगों के कथनानुसार हमने जाना कि उनकी एक भी हड्डी, न हाथ, न पैर, न छाती, न 27 मई 2018 यह वह दिन है जब हम खोपी नामक स्थान पर गए। खोपी नामक स्थान वह स्थान था जहां प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टांग दिया गया था। जी हाँ, इसका नाम खोपड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि ये सचमुच दूर से देखने पर इस पहाड़ की आकृति ऐसी लगती है मानो मानव की खोपड़ी हो। हमने नाजरत जगह देखी जहाँ यीशु मसीह पले बढ़े। जी हाँ, ये नाजरत वही जगह थी, वही स्थान था जहाँ मरियम जी को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था और कहा था कि आप एक बालक उत्पन्न करेंगे। गलील झील गए हम इसी दिनांक को, गलील झील गए जहाँ पर यीशु मसीह ने पानी पर चलकर दिखाया था। यह वह झील थी जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पानी पर चलकर दिखाया था। मतलब 28 मई 2018 को हम कफरनहूम नाम के शहर स्थान पर गए जहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस
की सास को चंगा किया था। पतरस का घर भी यहाँ पर हमें दिखाया गया, यरदन नदी जहाँ यीशु मसीह ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा पाया और स्वर्ग के दरवाजे खोल गए थे और उन पर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा था। जी हाँ, और आकाशवाणी हुई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र यीशु है। जी, वहाँ हमें ऐसा ही बताया गया। और टेम्पटेशन माउंट, ये हम उस जगह पर रुके हैं, एक जगह थी जहाँ जिसका नाम था टेम्पटेशन माउंट, और यहाँ पर बताया गया कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी। जी हाँ, ये वह स्थान था जहाँ 40 दिन तक यीशु मसीह बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहे थे और शैतान उन्हें बरगला रहा था। पर वह हाँ, ये वही दिन था जब हम लाल सागर भी गए, और लाल सागर में हमने देखा ये उस सागर को जिसे मूसा ने अपनी लाठी के द्वारा दो भागों में फाड़ दिया था और गुलामी से लोगों को निकाल के आए थे। हाँ, ये वैसा सागर था लाल सागर। जी, उसके बाद हमें स्वेज नहर, वहीं काफ़ी दूर नहीं, स्वेज नहर एशिया को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए बनाई गई नहर के नीचे टनल के द्वारा हमें इजिप्ट ले जाया गया। बहुत ही गजब का रास्ता था, बहुत ही फाइनल रास्ता था, और पानी हमारे ऊपर था और हम उस नहर के नीचे अंदर ही अंदर एक दूसरे देश पहुंचने वाले थे, और इस देश का नाम था मिस्र देश, इजिप्ट, जहां से मूसा ने लोगों को गुलामी से छुड़ाकर इसराइल ले आए थे। ठीक दिनांक 29 मई 2018 हम नील नदी पर क्रूज के द्वारा काहिरा शहर में पहुंचे और हमने काहिरा शहर को देखा। यहाँ पर हमने अरेबिक डांस भी देखा, अरेबिक डांस का भी लुत्फ उठाया। और उसके बाद हम 30 तारीख, ये हमारा आखिरी दिन था हॉल्ट का, 400 मीटर के पिरामिड देखे जिसकी ऊंचाई भी 400 मीटर ही थी। और यहाँ पर राजा की कब्र है और वह एक बड़ा पिरामिड है, और जहाँ राजकुमार की कब्र है वह एक छोटा पिरामिड है। और दोनों ही पिरामिड का जो मुख है जहाँ से एंट्रेंस है वह बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ है, और ये बना भी पूरा बड़े बहुत ही विशाल विशाल पत्थरों से है। तो वहाँ मिस्र में हमने एक चर्च देखा और हमें बताया गया कि यह वह चर्च है जहाँ यीशु मसीह 3 माह परिवार के साथ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और मिस्र का यह चर्च देखने के बाद हम सीधे कैरियो पहुंचे। कैरियो एयरपोर्ट से हम बहरीन के लिए निकलने वाले थे, और यह दिन था 31 मार्च 2018। रात को 1:30 पर हम बहरीन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे कैरियो से, और बहरीन से अब हमें मुंबई जाना था, जबकि इकतीस पाँच 2018 की रात 10:45 पर हमारी फ्लाइट थी, और हमारा मुंबई पहुंचने का समय था सुबह 4:45 1/6/2018 की दिनांक, मतलब 1 जून आ चुका था। और मुंबई बीटी से हम जबलपुर के लिए बाई ट्रेन रवाना हुए, सुविधा एक्सप्रेस उसका नाम था, और हम 11:05 पर चढ़े और जबलपुर 2:00 2 तारीख को पहुंच चुके थे। और यह हमारा बहुत ही आशीषमय सफर था, हम इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। तो सभी से सभी को जय मसीह की, और सभी को से आग्रह है, अनुरोध है मेरा कि आप इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह जो सामान, ये जो भी चीज़ें हम इसराइल से लाए हैं, मैं अगले वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन करने वाला हूँ। ये नरसिम्हा आपको इसमें दिख रहा है, इसमें आपको दुरी दिख रही है, गलील झील का पानी है, सालों का चिन्ह है, शॉल है जिसे एक ही जन पहन के प्रार्थना कर सकता है, ऐसा वहाँ से हमें कहा गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो डेड सी है उसकी मिट्टी। तो ये सब सभी चीज़ों का प्रदर्शन मैं अगले वीडियो में करना चाह रहा हूँ। तो कृपया लाइक्स दें और कमेंट्स करें कि और किस प्रकार का आप वीडियो इसमें देखना चाहते हैं। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकूँ, और कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।